हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्टली थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है। वेरी इजी टॉपिक है ना, आपको डर लगता है, बट छोटी छोटी टिप्स से ये चैप्टर इजी हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनना पहले। ओके, सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि कोई टॉपिक मेरे पास में कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, मैंने सिंपल कहा इन इट्स डोमेन, दैट मीन्स अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूँ ना, वो बिना ब्रेकेज के हो, तो आप बिना कैलकुलेट किए भी जज कर सकते हो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूज है कि नहीं किसी पॉइंट पे। ओके, अगर किसी पॉइंट पे चेक करना है, मान लो कॉज है मेरे पास फंक्शन कॉज एक्स, मुझे पता है कॉज एक्स बिना किसी ब्रेकेज के एक इंटरवल में अगर मैं ले रही हूँ, किसी पॉइंट पे चेक करना है, मान लो मैंने कॉस एक्स को चेक करना है पाई बाय टू पे। ओके, पाई बाय टू पे मैं ग्राफ देखू, कॉस का ऐसे होता है आगे ऐसे जाता है, ये क्या है वैल्यू पाई बाय टू पे, इस पे कोई ब्रेकेज है नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। मतलब बिना कैलकुलेट किए भी मैं चेक कर सकती हूँ। आप ग्राफ उसका लेके आओ तो आपको याद हो जाएगा। अब मेरे पास अगर है मॉड एक्स, तो इसका मतलब क्या, अगर मॉड एक्स का मैं देखूं तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, मुझे पता है वी बनता है कॉन्टिन्यूस है, कहीं ब्रेकेज तो नहीं है ना, जीरो पे चेक करना या वन पे चेक करना या टू पे चेक करना, तो सबसे पहले उसका ग्राफ अपने मन में लेके। अगर होता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास, हो गए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप सीधा कह देते हो डिसकॉन्टिन्यूस, गलत है। रीजन रीजन उसका जो है, अगर एफ ऑफ एक्स मैंने ये दिया और आपको कहा कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2.3, देन इट इज कॉन्टिन्यूस। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होता। रीजन, क्योंकि इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अगर आप इसका ड्रॉ करो ना, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें मेरे पास, आपको पता है अगर एक्स की वैल्यू जो है जीरो और वन के बीच में है, जीरो और वन के बीच में है मेरे पास, तो आंसर इसका हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब ये वैल्यू आएगी जीरो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो टू वन है तो आंसर जीरो ही है, यानी ये एक्स की वैल्यू शेड करूं तो आंसर मेरे पास यही है। ओके, अगर एक्स की वैल्यू वन या टू के बीच में, अब ये वन टू आंसर वन आना है, तो ये ग्राफ हो गया। ओके जी, न मेरे पास हो गए पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, बट ये चीज आनी आनी है ना, ये पॉइंट नहीं आना है। ओके क्लियर, तो मेरे पास हो गए ये वैल्यू आती, इसीलिए हम इसको शेड कुछ नहीं करते, हम ये कहते हैं एक्स की वैल्यू 1.2 हो तभी आंसर वन आएगा, एक्स की वैल्यू 1.2 हो तो आंसर वो वन ही आएगा। ओके, ये टू वाला पॉइंट वो अगले में कंसिडर कर देता है, तो ऐसे स्टेप फंक्शंस बनते हैं। ऐसे एक रफ्सर देखो, ब्रेकेज है ना, कहाँ है, यहाँ वन पे है, अगले में टू पे है, ये ग्राफ ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं चल रहा ना, ऐसे नहीं चल रहा ना, तो दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। बट कहाँ नहीं है, सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज पे, इंटीजर्स पे, इंटेग्रल वैल्यूज पे वन इज द सेम। ओके मेरा बेटा, सबको बात क्लियर हो। पहला मेथड क्या है कि ग्राफ सोचो, अगर डायरेक्टली तुम्हें ग्राफ के बारे में पता लग जाता है, आपको डायरेक्टली ग्राफ के बारे में पता लग जाता है, तो कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कैलकुलेट करना, आप सीधा आंसर लिखो। और फिर बता दू, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस जो है इन इट्स डोमेन, देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, कहीं पे भी ले लो तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। एग्जाम्पल कॉस एक्स का फंक्शन ले लो, साइन एक्स का ले लो, होगा ही होगा, तो किसी भी पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस फिर होगा ही है, क्योंकि डोमेन पे वो कॉन्टिन्यूस। इज इट क्लियर, सबको बात समझ आई।
अब बेटा अगर बाय चांस मुझे फंक्शन ही ऐसा है जो डायरेक्टली मुझे उसका ग्राफ नहीं पता, तो मैंने जो है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगी, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचिज ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिज ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है जी। अब ये लेफ्ट राइट कब यूज करते हैं, मैं बार बार कहती हूं, जब फंक्शन डिफाइंड किया और उसमें ए से लेस पे मतलब एक्स लेस देन ए पे फंक्शन कुछ और है, एक्स ग्रेटर देन ए पे फंक्शन कुछ और है मेरे पास, और एक्स इक्वल टू चाहे कहीं पे भी इक्वल टू है, जैसे मॉड एक्स फंक्शन, आपको पता है अगर अगर फंक्शन मॉड एक्स है तो मेरे पास इसका आंसर माइनस एक्स आता है इफ एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स आता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो आता है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो 100% यहाँ लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वो, और लिमिट्स के प्लस वन के सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लो, उसके बिना कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अगर कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन बनता है तो बेटा उसमें जो लिमिट वाला पार्ट होगा ना कनुगा, बेटा प्लीज जो लिमिट वाला पार्ट होगा ना निकालना, वो थोड़ा सा मुश्किल वाला ही बनता है। सो यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, कैसे फॉर्मूलाज, ए पावर एक्स माइनस वन ओवर ए लिमिट एक्स अप्रोचिज ए लॉग ए होता है, लिमिट एक्स अप्रोचिज मेरे पास जो है जीरो ई पावर एक्स माइनस वन जो है बाय एक्स आंसर इज वन, लिमिट एक्स अप्रोचिज जीरो साइन एक्स बाय एक्स वन होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉज का जो है कॉज एक्स माइनस वन ओवर एक्स, आपको आंसर सेट नहीं चाहिए, टेन एक्स बाय एक्स उसका भी वन होता है। ओके, जब तक ये फॉर्मूलेज नहीं आएंगे आप लिमिट किसी हालत में नहीं, लिमिट नहीं कर पाओगे तो कॉन्टिन्यूटी नहीं कर पाओगे। ओके जी, तो उनको लर्न करना बहुत जरूरी है। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट विद, अच्छा मैंने यहाँ लेफ्ट राइट किया, अगर लेफ्ट अप्रोच करने से राइट अप्रोच करने से फंक्शन एक ही है तो कोई जरूरत नहीं है इसको लेफ्ट राइट करने की, तो सिंपल जो है हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिज ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है जी, बहुत बार के की वैल्यू निकालने का आता है, और नॉर्मली इसमें जो फंक्शन होता है ना वो ऐसे ही होता है, यहां पर कोई फंक्शन दिया है एक्स नॉट इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए, ये नॉट से पता चल जाए। अच्छा कई बार नॉट इक्वल टू दिया भी होता है पर यहाँ पर मॉड दे दिया तो अपने आप आपको फंक्शन को चेंज करना है लेस देन और ग्रेटर देन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। उसके बाद बेटा मेरे पास हो गए, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी होगा अगर उसकी लेफ्ट लिमिट एट दैट पॉइंट और राइट लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट करती हो, अगर किसी की फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती है तो फिर तो हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ओके जी, क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए, यहां पर ऑब्वियस अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो 100% क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। ओके अच्छा बेटा, अब मेरे पास जो यहां पर बताने वाली बात है, वैसे मैंने पहले भी बता दी फिर मैं रिपीट कर रही, कॉन्टिन्यूटी अभी जो हमने की वो एट ए पॉइंट की, मैंने आपको ए पॉइंट बता दिया हम उस पे चेक कर रहे, लेकिन कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल में भी हो सकती है, वही डोमेन में हो सकती है। तो कोई भी फंक्शन जो है मेरे पास जो है फंक्शन अगर किसी इंटरवल में बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी जो है किसी ओपन इंटरवल में भी चेक कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल में भी चेक कर सकते हैं, हमें वो चेक करना ही। जैसे उसमें तब क्या करते हैं हम लोगों को यहां पर देख मैं बताती हूं, मान लो सॉरी
आपको ये दे दिया कि मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 3 to 5 पे। अब क्या करेंगे, आपने फंक्शन को देखना है। मेरे पास मान लो यहां दे दिया ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5, या चलो लेस देन दे दी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहां पर सिंपल ये कर दी अकेला, यानी अब किसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब है आपने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करने। कौन कौन से पॉइंट पे चेक करोगे? 3 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फंक्शन है यहाँ, मान लो यहाँ होता 2x + 3, आपको पता है लेस देन एक्स ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन लीनियर है। आगे मैं बताऊंगी कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते ही होते, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस होते हैं ऑन आर, मतलब रियल नंबर पे, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं ना 3 पे ना 5। अच्छा 5 पे तब चेक करना, अगर मैंने यहां 5 पे 2 फंक्शंस दे दिए, एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2 दे दिए, तो मुझे 5 पे चेक करना। अगर नहीं होता, ये वाली चीज नहीं होती, तो मुझे 5 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन चेंज थोड़ा हो रहा है। तो अब मेरे दो ही, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, कौन सा? 4, क्योंकि 5 से लेस पे फंक्शन कोई भी हो, मान लो साइन एक्स लिखा होता, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना ही था, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस फंक्शन ग्राफ जो है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। बात समझ आई? लेकिन अगर लेस यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता, यहाँ साइन एक्स होता, यहाँ कुछ और वैल्यू होती, देन आई हैव टू चेक कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम आ रही है कि नहीं आ रही 5 पे। अगर आ रही है तो 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है, अगर 4 पे भी आ रही है, सब पे कॉन्टिन्यूस होगा तो पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा, अगर नहीं है तो वो किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हम पता है बीच वाले पॉइंट्स क्यों नहीं देखते, मैंने 3.1 क्यों नहीं देखा, 3.2 क्यों नहीं देखा, क्योंकि 3 से लेकर 4 तक ये फंक्शन सेम ही रहना है, लीनियर ही रहना है, वो अपनी नेचर चेंज नहीं कर रहा है, वो लीनियर ही रहा है। और मुझे पता है एवरी लीनियर फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बात समझ आई सबको? ओके जी, अगर सिंपल मुझे फंक्शन दे देते ना ये, और मुझे कहते चेक द कॉन्टिन्यूटी एट 3, मैंने कुछ चेक नहीं करना था, क्योंकि 3 पे मुझे पता है लेफ्ट, 3 के ग्रेटर पे दिया है, लेफ्ट पे तो दिया ही नहीं मुझे कुछ, यानी फंक्शन विल रिमेन से नहीं है ना कुछ भी, तो वो कॉन्टिन्यूस रहेगा ही रहे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बात समझ आ गई? चलूं अब आगे? चलिए बेटा, अब नेक्स्ट जो है मैंने बताना है, अगर मेरे पास 2 फंक्शंस हैं, वो कॉन्टिन्यूस है अपने अपने डोमेन में, तो उनको ऐड कर दें, चाहे उनको मल्टीप्लाई कर दें, चाहे उनको डिवाइड कर दें, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर वाला फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो गए, आई राइट मॉड एक्स प्लस साइन एक्स, मैंने क्लियर कट अपने माइंड में मॉड एक्स भी बनता है, तो ये कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, यहां पर साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, मुझे कुछ चेकिंग नहीं करनी, दैट इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। ओके जी, क्लियर? चलूं बेटा आगे, ऑल रियल भी लिख सकता था यहाँ, एवरीवेयर भी लिख सकता था, क्योंकि मुझे पता दोनों फंक्शंस की डोमेन क्या है, ऑल रियल, तो एवरीवेयर ही हो गया ना। समझ आ गई? ये क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, वर्डिंग टोटली उस पर डिपेंड करते, क्लियर?
चलूं आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हो गए। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही रहेगा कांस्टेंट से। फंक्शन से तो करते ही हैं, जी एक्स इंटू एफ एक्स, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अगर के एफ ऑफ एक्स दैट अगेन रिमेन जो है कॉन्टिन्यूस, प्रोवाइडेड दिस कॉन्स्टेंट इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ओके, जीरो नहीं होना चाहिए। जब भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो किसी कॉन्स्टेंट, तो वो फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो ही बन जाएगा ना, उसको क्या चेक करना, वो तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। समझ आ गई बेटा? ओके, नाउ बेटा मेरे पास हो गए। नेक्स्ट जो चीज आपको बताना चाहती हूँ, कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं करोगे, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन वैसे तो डिलीटेड है अगर हम फंक्शन चैप्टर में देखें, बट यहां मैं आपको कहती हूँ कि एक बार सुन जरूर लो, है ना, क्योंकि निकालना हमें कोई जरूरत नहीं होती है, हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूटी बतानी है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू, साइन के अंदर कोई और फंक्शन आ गया ना, तो ये क्या बन जाता है, कॉम्पोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, सिर्फ अभी यही समझो, फंक्शन के अंदर वो नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे पॉग एंड पॉफ। तो फंक्शन के अंदर होना एक्स चाहिए, डेरिवेटिव में चेन रूल करती हो ना, तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन में ही लगती है ना। तो कॉम्पोजिट फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस तभी होगा अगर एफ एंड जी दोनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। नॉर्मली मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस है ना, तो मैं मॉड साइन एक्स लगा दू, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है जी, क्योंकि होना मॉड एक्स चाहिए, पर उसकी जगह एक फंक्शन आ गया जो खुद भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो दैट मीन्स वो भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो दैट मीन्स वी कम टू नो कि कॉम्पोजिट फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होते हैं अगर दोनों सेपरेटली कॉन्टिन्यूस है। अब लिखो जो स्टैंडर्ड फंक्शन विच आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, राइट डाउन फर्स्ट, अ कॉन्टिन्यूस अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। सेकेंड, आइडेंटिटी फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसे लिखा जाता है आपको पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट। आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। लो जी, एफ ऑफ एक्स ए जीरो एक्स पावर एन, ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स पावर एन माइनस टू, प्लस सो ऑन ए एन, जो गए एक्स की पावर जीरो आएगी ना लास्ट में, कॉन्स्टेंट बचता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। इससे पिछला लिखोगे ना, अगर इससे पिछला लिखोगे एक टर्म, उसमें ए एन माइनस वन और साथ में क्या आएगा, एक्स वन, क्योंकि पावर्स कम हो रही हैं, तो यहाँ एक्स पावर जीरो बचेगा, वो तो वन ही होता है ना, लिखने की जरूरत। सिंपल पॉलिनोमियल मतलब किसी की भी जितनी मर्जी डिग्री हो जाए, डिग्री सेवन हो जाए, डिग्री एट हो जाए, कुछ भी हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट मेरे पास हो गए, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। मॉडुलस फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, हाँ जी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पावर एक्स, यहां पर ये जरूर पता होना चाहिए, ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो
आर ए कैन नेवर बी इक्वल टू वन, क्योंकि वन की पावर कुछ भी लो तो वन वो तो कॉन्स्टेंट फंक्शन ही बन जाए. ओके, ए ग्रेटर देन जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू वन. नेक्स्ट मेरे पास हो गए स्क्वायर रूट फंक्शन. स्क्वायर रूट फंक्शन दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस वेयर ए पॉजिटिव, इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो. स्क्वायर रूट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस कब होता है मेरे पास, प्रोवाइडेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स नेगेटिव स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता. ओके, क्यों, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए वो तो इमेजिनरी बन जाएगा ना. बिल्कुल जी, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो. नेक्स्ट रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल आर एक्सेप्ट जीरो. इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल आर एक्सेप्ट जीरो. रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं प्रोवाइडेड मेरे पास हो गए ऊपर p लिख लो, q x लिख लो. इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोवाइडेड q x इज नॉट इक्वल टू जीरो. q q q लो जी, अब ठीक है. हाँ जी, हाँ जी. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स, टेन एक्स कॉट एक्स, सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स आर कॉन्टिन्यूज इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स. जो डोमेन लेते हैं ना उसमें वो कॉन्टिन्यूस हो गई होगा. आप कोई भी ग्राफ देख लो, टेन है अगर हम लेते हैं तो उतने में वो कॉन्टिन्यूस होता ही होता है. ओके जी, नाउ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन, इन इट्स रिस्पेक्टिव डोमेन. अब कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस करते हैं. ओके, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया. लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दैट, चलो लिमिट्स के जितने भी फॉर्मूले आएंगे साथ साथ बताती जाऊं, ठीक है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन माइनस फोर ओवर एक्स प्लस थ्री. हाँ जी, फोर बाहर है. एक्स नॉट इक्वल टू थ्री माइनस थ्री एन के एक्स नॉट इज एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इज कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री. फाइंड के, फाइंड के क्या करेंगे. अगर पहले वाले में माइनस थ्री पुट करोगे नीचे क्या आ जाएगा, जीरो. यानी लिमिट सॉल्व करनी है ना, तो मेरे पास
लिमिट एक्स अप्रोचेस माइनस थ्री रूट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन माइनस वन। जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आए क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग कीजिए, इसको सॉल्व करने। वैसे दिस शुड बी इक्वल टू के ना, अब इसको सॉल्व करना है। पहला मेथड बता रही हूँ लिमिट का, लिमिट में अब कॉन्टिन्यूटी का काम खत्म हो गया कि लिमिट इसके इक्वल होनी चाहिए क्योंकि कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, तो सिंपल फंक्शन की लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन के पॉइंट के इक्वल होनी चाहिए ना। अब बात है लिमिट कैसे सॉल्व करनी, स्क्वायर रूट वाला जब भी आए उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना है तो दैट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रूट वाली टर्म है उससे बेटा साइन चेंज करके, साइन चेंज कहां करते हैं, बाहर, अंदर नहीं करते, ओके, यहां प्लस इससे मल्टीप्लाई एंड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, क्या बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट यू गेट हियर, लिमिट x अप्रोचेस माइनस थ्री, हाँ जी, x स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सिक्सटीन ओवर, मेरे पास क्या आएगा, x प्लस थ्री और साथ में क्या आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस सेवन प्लस फोर। मैं आपको बता दूं जो फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, मेरे को x प्लस थ्री प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे वो किसी हालत में भी क्या करना है, कटिंग करनी है। अब 16 माइनस सेवन कितना होता है, माइनस नाइन। मैं इसकी जगह पे बेटा इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस, अब x स्क्वायर माइनस नाइन को कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b a माइनस b, इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट x माइनस थ्री x प्लस थ्री। देखो जो फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था 100% वो क्या हो रहा है, कट कट हो रहा है ऑप्शन। अब क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करूं, माइनस थ्री। अब पुट कीजिए, जब मैंने पुट की मेरे पास माइनस सिक्स बाय रूट, हाँ जी, नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन, फोर, फोर प्लस फोर एट, तो ये आया बेटा, तो कटिंग कर दो तो माइनस थ्री बाय, और दूसरी तरफ के ही था ना, तो के का ये आंसर आ गया, पहली टाइप पता चल गई सबको। चलिए डू द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस आर वन बी टू सी थ्री डी इनफाइनाइट मैनी। किन पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल, क्यों इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है सारे इंटेग्रल वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अभी हमने स्टार्टिंग में किया था ना, नॉन इंटेग्रल वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस होता है, आ गया वो बीच में तो फिर तो काम ही खराब हो गया ना, ठीक है जी। लेट अस डू द नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स एक और प्रॉब्लम होगी बेटा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन था यहाँ पर वो डिनोमिनेटर में है ना, हम ये सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए था। अगर हम देखें सबसे पहला काम क्या था, डिनोमिनेटर इक्वल टू, बाकी सब पे डिफाइंड तो है ना, ये फंक्शन तो डिफाइंड है ना,
तो सबसे पहले तो हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए हम कहते हैं कि क्या चेक करें, कहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है कि नहीं है। तो अगर मैं वो देखूं तो मेरे अकॉर्डिंगली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये ग्राफ चेक करना पड़ेगा हमें किस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये वैल्यू सेम होती है। वन पे, अगर मैं टू पे देखूं, थ्री पे देखूं, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, ऐसे भी चेक कर लो तो ठीक है। बिल्कुल वही आएगा बेटा, मैं आंसर नहीं, मैं पॉइंट्स चेक कर रही थी दोबारा कि ये चीज भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम ये भी चेक कर लें। मान लो आपको ही किसी फंक्शन में वो वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर रहे हो जिसपे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, मैं वो चेक कर रही थी कि हमने वो इंक्लूड किया कि नहीं किया। क्योंकि देखो ना, अगर मैं एक्स की वैल्यू वन लेती हूँ, दोनों वन वन आ रहे हैं, टू लेती हूँ टू टू आ रहा है, थ्री लेती हूँ, यानी किसी पे डिफाइंड नहीं ना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कई बार ऐसा पॉइंट इंक्लूड हो जाता है जिस पे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होता। तो मैं वो कह रही हूँ कि इसको भी ध्यान देना कि चेक कर लिया ना तो हमारी टेंशन खत्म हो गई। ओके क्लियर बेटा।